तो बच्चों, इससे पहले हम अपनी क्लासेज में पढ़ रहे थे कि इंसेक्ट कैसे रेस्पायर करते हैं, प्लांट की रेस्पिरेशन कैसे होती है, ये सब टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। हमारे एक लास्ट यानी कि क्लास में एक टॉपिक चला था, एक्वेटिक एनिमल कैसे ब्रीड करते हैं। तो मैंने उस टाइम बता भी दिया था कि एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश वगैरह हैं, ये गिल्स, इनके पास गिल्स होते हैं जिसमें वे डिजॉल्व ऑक्सीजन वगैरह को इनको ये अटेन करते हैं। एक खास बात है जो एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा ही 10वीं क्लास में बहुत आ जाता है और सभी किसी भी क्लास में आ सकता है, ये कि एक्वेटिक एनिमल जो है वो फास्टर क्यों ब्रीद करते हैं, दे ब्रीद फास्टर, वाई, यानी कि एक्वेटिक एनिमल बहुत फास्टर क्यों यानी कि ब्रीद करते हैं। तो बच्चों, इस बात का एक ही लाइन में जवाब आप दे सकते हो कि एक्वेटिक एनिमल जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन अटेन करते हैं, जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है वो अटेन करते हैं, टेक इट करते हैं गिल से। अब क्या है कि पानी के अंदर बहुत ही कम, लेस अमाउंट में, यानी कि बहुत ही लिटिल अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। अब क्यों? क्योंकि पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन का बहुत कम अमाउंट होता है, इसको कंपनसेट करने के लिए दे हैव टू ब्रीद फास्टर। तो ये एक लाइन में इस बात का जवाब रहे कि एक्वेटिक एनिमल हमेशा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल की बजाय दे ब्रीद फास्टर। तो इसका पीछे यही कारण है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होती है और इसको कंपनसेट करने के लिए दे हैव टू ब्रीद फास्टर सो दैट दे कैन इनटेक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये टॉपिक हमारे पुराने क्लियर हो गए। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो मैं पहले भी बताता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से पेपर में आते ही रहते हैं ये। तो याद करिए, एक तो एरोबिक और अनएरोबिक की बात भी करी थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये लेसन जो एक टॉपिक हमारा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी एनाटॉमी, इसका याद रखना, बायोलॉजी में एक क्वेश्चन तो हमेशा डायग्राम का ही आता है, चाहे वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। तो इसका डायग्राम वाला टॉपिक भी आपने अलग अंदाज में इसको करना है। तो हम शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों, सबसे पहले तो एनाटॉमी देखिए कि कौन कौन से ऑर्गन हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। तो ये हमारा जो नोज है, ये सामने है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इनको नेरिस भी बोलते हैं, नेरिस भी बोलते हैं इनको एक्सटर्नल। ये जो दो टू ओपनिंग्स हैं बिल्कुल एंटीरियर साइड में सामने, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के अंदर है नेजल कैविटी। इसको बिल्कुल आप स्टेप वाइज अच्छी तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे ये दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जिनका दूसरा नाम नेरेस है, इससे जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो इन अंदर एंटर करती है। इसके बाद आएगा नेजल कैविटी, मैंने लिख रखा है नेजल कैविटी। बच्चों, एक चीज़ याद रखना, नेजल का मतलब होता है रिलेटेड टू नोज। जब भी कभी नेजल शब्द आए तो समझ लेना नाक से रिलेटेड है। तो नेजल कैविटी है ये, तो नेजल कैविटी याद रखना। यहाँ बीच में नेजल कैविटी भी सेपरेटेड है टूज पे, जिसको नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो ये जो नेजल सेप्टम है, ये नेजल कैविटी को भी बाइफरकेट कर देता है, दो डिफरेंट चैम्बर में बना देता है। अब जरा नेजल कैविटी के बारे में आप सुनिए, यहाँ क्या होता है। याद रखना बच्चों, यहाँ पे स्मॉल हेयर्स होते हैं, आपने कभी भी नाक में अंदर देखा होगा स्मॉल हेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इन हेयर्स का काम ये है कि जो एयर के अंदर कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स है, कोई धूल वगैरह के, कोई इस तरह के कण हैं, कोई पत्ते तिनके विनके, इनको ये ट्रैप कर लेते हैं। और तो और, ये जर्म्स और बैक्टीरिया और कीटाणु जीवाणु, इनको भी ये ट्रैप कर लेते हैं, आगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने नहीं देते। तो ये जो नेजल हेयर्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी बात देखिए नेजल कैविटी की, यहाँ पे म्यूकस चिपका होता है। म्यूकस के बारे में मैंने हर बार हर क्लास में बता देता हूँ, गॉबलेट सेल इसको सीक्रेट करते हैं। ये एक वाइट
एक वाइट सा, मतलब हम ये कहें कि विस्कस सा एक मटेरियल फ्लूइड है जो कि अंदर म्यूकस कहलाता है, चिपका रहता है। ये परमानेंट, याद रखना, गोबलेट सेल बनाते हैं हमेशा, तो यहाँ पे म्यूकस चिपका होता है। बहुत बार आ सकता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस, तो म्यूकस का रोल है बच्चों, दे ट्रैप दी फॉरेन पार्टिकल्स। फिर वही पुरानी बात जो हेयर कर रहे थे, धूल धुआं कोई तिनके विनके घास फूस कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एयर से जा रहा है उसको ये ट्रैप कर लेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाने देंगे। दूसरा, ये जर्म्स और बैक्टीरियाज को भी ट्रैप कर लेते हैं, तो दे प्रोटेक्ट अवर एयर। तो कुल मिला के हमारे बोले ने कि हवा को ये बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हुए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सारे को बचाते हैं, और ताकि हम बहुत ही क्लीन एयर ब्रीद इन कर सकें। अच्छा, जो नेजल कैविटी के बाद ये अंदर है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, क्लियर हो गया, बाहर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर कह लीजिए, फिर ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है। इंटरनल नॉस्ट्रिल से हमारे जो एयर है वो अंदर जाएगी। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेजल पैलेट, इट इज ए बोनी पैलेट, याद रखना, ये एक बोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है नेजल पैलेट। बहुत बड़ा रोल है इसका, नेजल पैलेट का सबसे बड़ा रोल ये है कि ये जो इसका जो सुपीरियर पार्ट है ये तो नेजल चैम्बर और ये ओरल कैविटी। तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी आप इनको बिल्कुल, यानी कि जो हमारे माउथ का जो अंदर का पार्ट है ये दो हिस्सों में इस नेजल पैलेट ने बांट दिया है, ऊपर वाला नेजल चैम्बर और नीचे वाला ओरल चैम्बर, ओरल कैविटी। इस पैलेट के होने का ये फायदा है कि हम खाना खाते वक्त भी सांस ले सकते हैं। ये एक नंबर का फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वी कैन ब्रीद एट द टाइम ऑफ ईटिंग द फूड, जब हम खाना खा रहे होते हैं तब भी हम सांस कैसे ले सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू दैट नेजल पैलेट ये दोनों चैम्बर्स को बिल्कुल सेपरेट कर देती है। तो इस बात का जवाब आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसका मतलब नेजल पैलेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस क्वेश्चन से आप बिल्कुल आसानी से निपट सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सब किताबों में भी लिखा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगला यानी कि जो एक ऑर्गन आता है वो है फेरिंग्स। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स ये एक फनल शेप का स्ट्रक्चर है। अगर आप बकल कैविटी को, हम मुंह को ओपन करें, माउथ को ओपन करें, तो बकल कैविटी नज़र आएगी और फेरिंग्स आप अगर इसको हम अलग से स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक फनल शेप का स्ट्रक्चर है। हकीकत में तो फेरिंग्स ऐसी शेप का मिलेगा। अब देखिए इसके तीन पार्ट, ये हम इसको ओरल फेरिंग्स कह सकते हैं जो ये माउथ वाली साइड में है, इसको हम कह सकते हैं नेजोफेरिंग्स, ये यहाँ से नेजोफेरिंग्स, ये यहाँ से ओरल फेरिंग्स यानी कि माउथ वाले पार्ट फेरिंग्स में आ रहा है, ये नेजल वाला पार्ट माउथ, और यहाँ पे हम जानते ही हैं कि लेरिंग्स है हमारा, ट्रैकिया है, तो ये लेरिंजियल भी कह सकते हो यहाँ पे, तो लेरिंजियल पार्ट्स भी कह सकते हैं, ये फेरिंग्स का ये तीसरा यानी कि, तो कुल मिला के ये एक ट्राइंगुलर सा स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में कंसेप्ट बन सकता है, ये ओरोफेरिंग्स, ये नेजल फेरिंग्स और ये लेरिंजियल फेरिंग्स। तो कुल मिला के फेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर फनल शेप का। सबसे बड़ी बात ये है जो किताब में लिखा हुआ है, अब उस बात को सुनिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ फेरिंग्स। इट प्रोवाइड पैसेज टू फूड पाइप, इट इज फूड पाइप, पोस्टीरियर साइड में याद रखिएगा, और ये विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया और ईसोफेगस, यानी कि फेरिंग्स एक ऐसा पैसेज माने रास्ता प्रदान करना। तो फेरिंग्स जो है ये ट्रैकिया को यानी कि विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया को भी पैसेज दे रहा है और ये यहाँ पे ईसोफेगस भोजन ले, तो ये दोनों रास्ते यहीं से ही आगे प्रोसीड करते हैं। तो फेरिंग्स प्रोवाइड पैसेज टू विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया और फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, बाकायदा किताब में ये एक लाइन लिखी हुई है, आप बहुत आसानी से आपने सुन भी लिया और पढ़ भी सकते हैं, तो कोई बात बड़ी बात है ही नहीं। तो फेरिंग्स के बारे में भी
आप बहुत अच्छी तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों ये फेरिंग्स का था, यहाँ से फेरिंग्स। अब क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ईसोफेगस का तो हमारा कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, तो अब हम आते हैं ट्रैकिया पे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, यानी कि सांस की नली। अब यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है ट्रैकिया को। यहाँ पे काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। सबसे पहले तो जो फेरिंग्स ट्रैकिया यहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले तो बच्चों ये देखिए कि ट्रैकिया के सबसे ऊपर के ओपनिंग का नाम है ग्लोटिस। ये फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम भी पढ़ाया था कि ग्लोटिस, ये मैंने लिख दिया वैसे ग्लोटिस। तो कल कोई पूछे कि व्हाट इज ग्लोटिस, इट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ये यहाँ पे ये ट्रैकिया मैंने अलग बना लिया है, सांस की नली, इसके इस ओपनिंग का नाम है ग्लोटिस। तो ये क्लियर हो गया व्हाट इज ग्लोटिस, इट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। बच्चों याद रखना, अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहां बना रहा हूं, हम जानते हैं ना कि ईसोफेगस भी यही है, भोजन नली भी यही है। तो याद रखना इस ग्लोटिस के ऊपर, लिख देते हैं ग्लोटिस, इस ग्लोटिस के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैपर कार्टिलेज का बना हुआ है। इट इज ए फ्लैपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे सब ये ग्लोटिस है, इसके ऊपर ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैपर टाइप का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है, इसका नाम है एपिग्लोटिस। ये मैंने एपिग्लोटिस लिख दिया, ये मैंने वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, इसका नाम है एपिग्लोटिस। एक नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बन के आए, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बन के आए, ये मशहूर क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोटिस, व्हाट इज एपिग्लोटिस एंड व्हाट द रोल ऑफ इट। तो ग्लोटिस मैंने कई बार बता दिया, इट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, एंड एपिग्लोटिस इट इज ए लीफ लाइक और फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट ऑन द ग्लोटिस। अब इसका व्हाट इज द रोल ऑफ इट, तो एक लाइन का इसका रोल है कि व्हेन वी स्वेलो द फूड, जब हम भोजन को निगलते हैं तो एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस। बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुन सकते हैं आप, जब हम भोजन, व्हेन वी स्वेलो द फूड, जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं उस टाइम ये एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को कवर कर देगा, सो दैट ताकि फूड पार्टिकल्स कैन नॉट एंटर इन द ट्रैकिया, ताकि भोजन के कण हमारी सांस की नली में ना चले जाएं। बच्चों एक चीज़ याद रखना, अगर हमारे ट्रैकिया के अंदर, यानी हमारे विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया के अंदर अगर भोजन के कण चले गए, अगर एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल भी चला गया, फैटल साबित हो सकता है, फैटल मृत्यु कारक, तो मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए पता चल गया होगा एपिग्लोटिस कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो कि जब भोजन को निगलते वक्त हम आसानी से एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस को ढक देगा। और अब सीधी सी बात है, ट्रैकिया तो हो गया बंद, अब सिर्फ बचा तो ईसोफेगस बचा, भोजन नली के अंदर ही जाएगा भोजन। तो कुल मिला के वो डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम भी बताया था, अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइम भी बता दिया है, और बहुत ही क्लियर कट कंसेप्ट हो गए हैं। तो ये एपिग्लोटिस और ग्लोटिस का ये कंसेप्ट, और बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं पेपर में, तो ये भी बहुत ही क्लियर हो गया है। अब बच्चों ये ईसोफेगस फिर बंद मिटा देते हैं, अब हमारा ये ट्रैकिया चल रहा है। अब यहां से एक बड़ा मशहूर सा एक यानी कि एक टॉपिक आता है, लैरिंग्स। व्हाट इज लैरिंग्स, लैरिंग्स याद रखिए ग्लोटिस से बस थोड़ा सा नीचे, यहां पे ये एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है, ये है वॉइस बॉक्स, हमारा बोलने का डब्बा। जो हमारे मुंह से आवाज आ रही है वो इस लैरिंग्स की वजह से आ रही है। ये लैरिंग्स है, ये वॉइस बॉक्स है, बहुत ही क्लियर। ये वॉइस बॉक्स वगैरह बेशक ना बोला करें, लैरिंग्स ही बोला करें। तो ये लैरिंग्स है, कल कोई पूछे कि लैरिंग्स का, ये हमारा बोलने का एक एपरेटस है जो प्रकृति ने हमें प्रोवाइड किया है। अब हम पढ़ते हैं लैरिंग्स के बारे में, तो ये लैरिंग्स को मैंने यहां अलग बना लेता हूं। बच्चों लैरिंग्स, यहां पे हम बोलते कैसे, आज हमारे ये बड़े क्लियर कट कंसेप्ट है।
ये लैरिंग्स का ही टॉपिक सुन लीजिए अब आप बिल्कुल अलग से, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता रहेगा, अब हमारा मेन टॉपिक रहेगा थोड़ी देर के लिए लैरिंग्स। नंबर वन, एक तो याद रखना यहाँ पे नो कार्टिलेज है, ये थोड़ी सी बड़े लेवल की बात है, वो कोई बात नहीं, तीन पेयर में है और तीन सिंगल है, तो नो कार्टिलेज है, ये थोड़ा सा 11th क्लास में भी जिक्र आ सकता है इसका, वो कोई बात ही फ़र्क नहीं पड़ता, 10वीं 11वीं 12वीं में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लैरिंग, तो नाइन कार्टिलेज याद रखिएगा। दूसरी बात, हम जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसके लिए हमारे पास लैरिंग्स है। हम जानते हैं, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड होती है वाइब्रेशन से, जब भी कभी कोई वाइब्रेट करेगा कोई ऑर्गन तब यानी कि साउंड प्रोड्यूस होगी। तो लैरिंग्स के अंदर हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स। एक चीज याद रखना बच्चों, ये लैरिंग्स है, मानव जाति में टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, दो पेयर वोकल कॉर्ड दो हैं, ये एक तो सुपीरियर एक ये इन्फीरियर, एक वोकल कॉर्ड ऊपर है और एक नीचे, यानी कि दो वोकल कॉर्ड है। एक चीज याद रखें, अपर और लोअर ना बोले, खास बात यह है कि वोकल कॉर्ड दो हैं लेकिन पहले इनका नाम देख लेते हैं, जो ऊपर की साइड है इसको फाल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं, फाल्स वोकल कॉर्ड, और जो नीचे की साइड में है जैसे कि यहां पे ये लैरिंग्स है, तो हमारे डायग्राम में ही आ रहा है, तो ऊपर वाला फाल्स वोकल कॉर्ड, नीचे वाला ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ट्रू। ये हमारी किताब में नहीं है, ये टॉपिक बच्चों हमारी किताब में नहीं है, ये मैं थोड़ा सा हमेशा हर क्लास में बता ही देता हूं मैं, कि आफ्टरऑल पता होना चाहिए, आफ्टरऑल आवाज़ आती कैसे है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स कैसे काम करता है, तो एक लाइन तो समझ में आ गई होगी, वोकल कॉर्ड है, मानव जाति में दो वोकल कॉर्ड है, एक अपर साइड और एक लोअर, अपर वाले का नाम है फाल्स वोकल कॉर्ड, लोअर वाले का नाम है ट्रू वोकल कॉर्ड। अब एक बात याद रखना, फाल्स वोकल कॉर्ड ये लगभग काम नहीं करता, लगभग ही नॉन फंक्शनल है, जबकि ट्रू वोकल कॉर्ड यही फंक्शनल है, साउंड यहीं से प्रोड्यूस होती है। अब एक लाइन तो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि साउंड से प्रोड्यूस होती कैसे, तो बच्चों याद रखना, जो हमारे लंग्स फेफड़ों में से जो एयर आती है जिसको हम जबरदस्ती बाहर की साइड में लाते हैं, जब हम अंदर की एयर को बाहर की साइड में लाएंगे तो सीधी सी बात है, अंदर की एयर बाहर की साइड में आ रही है तो सबसे पहले सामने ट्यूब वोकल कॉर्ड ही आएंगे, ट्यूब वोकल कॉर्ड उस एयर की वजह से वाइब्रेट करेंगे और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, और ये जो टंग वगैरह हैं, लिप्स वगैरह हैं, और ये इसकी क्वालिटी को डिसाइड करते हैं, राइट। एक लाइन बता दूं फिर, इन किताबों में तो नहीं ही है, अच्छा एक तो पता चल गया होगा आपको, ये तो क्लियर है ना कि हमेशा फंक्शनल कौन से हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड, फाल्स वोकल कॉर्ड फंक्शनल नहीं है। एक दूसरा क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए जो मैं दूसरी बार बता रहा हूं, कि नीचे वाले ये ट्रू वोकल कॉर्ड है। इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका बता दीजिए कि सबसे पहले जो एयर आई है वो ट्रू वोकल कॉर्ड पे ही आएगी, क्योंकि अंदर की एयर आनी है ना, ये जैसे अंदर की एयर आ रहा है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर से जब एयर आती है तब हम बोल पाते हैं, और ये शायद एक उसमें रिसर्च में आता ही रहता है, बोलने से बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसीलिए क्यों, क्योंकि अंदर से जब एयर को ज़बरदस्ती लाना पड़ता है इसीलिए, तो ज़बरदस्ती एयर लाने के लिए बहुत ज़्यादा ATP खर्च होते हैं, इसलिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, तो स्पीकर लेक्चर देना इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, बजाय ये फिजिकल जब हम कोई ऐसा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी हमेशा ओरेटर जो स्पीच देते हैं, बोलते हैं, लेक्चर देते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ये बात थी वोकल कॉर्ड्स और लैरिंग्स की, वॉइस बॉक्स की, हो गया ये क्लियर। दूसरी बात, चलो ये भी बात भी मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि जो मेल है उनके जो वोकल कॉर्ड हैं वो थोड़े थिकर और लार्जर साइज के होते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा कम वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए उनकी वॉइस जो है वो लो पिच की होती है। फीमेल के जो ये वोकल कॉर्ड हैं ये बहुत ही थिन और थोड़े शार्पर टाइप के से होते हैं,
इसीलिए थोड़ी सी इनकी आवाज़ हाई पिच की होती है, थोड़ी पतलेपन में होती है। एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि 10 और 11 साल तक के बच्चों में, चाहे वो एक गर्ल हो या बॉय हो, उनके ये जो लैरिंग्स है ये सपाट होते हैं, यानी कि गर्दन में अपेरेंट नहीं होते, दिखाई नहीं देते। लेकिन जो ही प्यूबर्टी एज आती है तो मेल के अंदर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो प्यूबर्टी एज आती है 13-14 साल की उम्र में, तो ये लैरिंग्स जो है, वॉइस बॉक्स, ये स्वेलो कर जाता है और इसीलिए ये बाहर की साइड में निकल आता है। तो बच्चों ये याद रखना, जो ये बाहर की साइड में ये जो एक प्रोट्रूड आउट है, ये वॉइस बॉक्स ही है, मेल में अपेरेंट है ये। और ये इसका रीज़न भी पता चल गया होगा कि ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, यस। तो इसका मतलब प्यूबर्टी एज के बाद ये लैरिंग्स जो है वो प्रोट्रूड आउट कर जाता है, स्वेलो कर जाता है। और फीमेल में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट नहीं होते, इसलिए उनमें ये अपेरेंट नहीं रहता है। तो ये दो तीन टॉपिक बहुत ही क्लियर हो गए। अच्छा, तो ये बात थी लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। इसीलिए वो जो मेल में हमने 8वीं क्लास में भी पढ़ा था, उसमें भी कि ये इसको जो लैरिंग्स और जो वॉइस बॉक्स को, उसको एडम्स एप्पल भी बोल देते हैं प्यूबर्टी एज के बाद, एडम्स एप्पल। हालांकि ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लिख देंगे इसको। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों ये ग्लोटिस एपिग्लोटिस हो गया, ये लैरिंग्स की कहानी हो गई। अब ट्रेकिया का एक और मशहूर यानी कि क्वेश्चन बनता है, जो कि आपके कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए। ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग है, ट्रेकिया में कार्टिलेजिनस रिंग है, और ये दूसरी बात बता दूं, इनकम्प्लीट है, जैसे कि एक मैं रिंग बना रहा हूं, देखिए कंप्लीट नहीं है, एक और रिंग बना रहा हूं मैं। देखिए अगर ये यहां तक ऐसे गोल होती थी तो कंप्लीट हो जाती, लेकिन नहीं, ये इनकम्प्लीट। तो ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट रिंग है पूरे ट्रेकिया में, राइट? इनका रोल क्या है? मशहूर क्वेश्चन है 10th क्लास का, कि एक तो इन कार्टिलेजिनस जो रिंग है, इनका व्हाट इज द रोल ऑफ इट। तो मैं इसका रोल बता देता हूं। व्हेन देयर इज नो एयर, आप जानते हो कि कई बार हम सांस, कई बार नहीं, हम बीच में सांस रोक के भी बैठ जाते हैं। तो व्हेन देयर इज नो एयर, दीज कार्टिलेजिनस रिंग प्रोटेक्ट द ट्रेकिया टू गेट कोलैप्स, यानी कि ट्रेकिया को ये कोलैप्स करने से, सिकुड़ने से बचाते हैं। अब अगर यहाँ पे ये रिंग होंगी तो ये ट्रेकिया कोलैप्स नहीं करेगी, क्योंकि जब एयर नहीं है तो ये तो कोलैप्स कर जाता, सिकुड़ जाता, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो बच्चों एक लाइन का ये आमतौर पर, ये हर दूसरे साल क्वेश्चन आता रहता है और लगभग हर साल ही आता रहता है। तो या फिर ये क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है कि जब एयर नहीं होती तो बताइए ट्रेकिया कोलैप्स क्यों नहीं करते। हम साफ कह सकते हैं कि वहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पड़ी रहती हैं और वो उसको कोलैप्स करने से प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग, ये मैंने बता दिया इनकम्प्लीट है पूरे, एक तो ये तो कम्प्लीट हो गए, ये इनकम्प्लीट है तो पूरे ट्रेकिया में। तो ये लाइन में एक बार फिर बता देता हूँ थोड़ी सी, इस हमारी किताब में शायद आपको ना मिले ये, अगर पढ़ेंगे हाइलिन नाम का कार्टिलेज है। ये नोट कर सकते हो कि ट्रेकिया के अंदर ये जो रिंग है, ये कार्टिलेजिनस जो रिंग है, ये कौन सा कार्टिलेज है? ये हाइलिन नाम का, ये नोट कर लेना, मैंने एक बार पहले भी बता चुका मैं, हाइलिन नाम का कार्टिलेज है जो कि यहाँ पे ये रिंग बना रहा है। और ये मैंने बता ही दिया था लैरिंग्स वगैरह में भी 9 मतलब कार्टिलेज से रिंग है और ये पूरे कार्टिलेज का बना हुआ है ये। तो ये क्वेश्चन भी लगभग कंप्लीट सा हो जाता है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे पक्का यकीन है यहाँ से लेकर लैरिंग्स तक और ट्रेकिया तक तो बहुत ही बड़ा क्लियर कंडीशन आ ही गई होगी। अब ये ट्रेकिया को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। हाँ, अब ट्रेकिया आगे जाके दो हिस्सों में बंटता है। ये ट्रेकिया था, ये आगे जाके बाइफरकेट कर जाता है दो हिस्सों में, ब्रोंकाई, किन में? ब्रोंकाई, ये मैंने यहां लिखा नहीं था, ये ब्रोंकाई लिख देता हूं, सिंगुलर ब्रोंकस बोलते हैं। अब क्योंकि ये दो हिस्सों में बंटता है तो प्लूरल में ब्रोंकाई आ गया है,
यस, ये कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ तक है, ब्रोंकाई आगे और भी ब्रांच तक हैं, तो ये तो मान के चलिए तो टॉपिक हमारा नहीं चलेगा, तो ब्रोंकाई। अब बच्चों याद रखें, हकीकत में ब्रोंकाई आगे और ब्रांच में बढ़ते रहते हैं, तो ये जो मेन दो ब्रोंकाई है, अच्छा एक लाइन में आपको और बता देता हूँ, ये वैसे कल हम यहाँ पैल्पेट करके देखें यहाँ पे कि कहाँ पे मतलब ये बाइफर्केट करता होगा, तो याद रखना ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी ना फिफ्थ थोरेसिक, जो हमारी थोरेसिक यानी कि बोन है, हम जानते हैं ना कि हमारी रीढ़ की हड्डी तो दैट इज वर्टिब्रल कॉलम के फिफ्थ थोरेसिक पे, यहाँ से ये दो हिस्सों में ये ब्रोंकाई बढ़ जाते हैं। अच्छा, ब्रोंकाई आगे जाने के बाद और ब्रांच में, तो ये पहले तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई, आगे और ब्रांच वाले हो गए ये टर्टियरी ब्रोंकाई, तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्टियरी और आगे ब्रांच इनकी बनती रहती हैं, और ये टर्टियरी जो ब्रोंकाई है इनमें से फाइन ब्रांच निकलती रहती हैं, इनका नाम है ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकाई की स्मॉल ब्रांच ब्रोंकियोल्स, यस, तो ये ब्रोंकियोल्स हैं, और ये ब्रोंकियोल जो ने एयर सैक यानी कि एल्वियोली, तो बच्चों अब ये मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर कट सा कंसेप्ट बना देता हूँ आपका, ये यहाँ पे ये एयर सैक्स हैं यानी कि एयर की थैलियाँ, पाउच, ये जितने भी हम बना सकते थे वो हमने बना लिए हैं, ये तो ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में से ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर इनमें से ब्रांच निकल के टर्टियरी ब्रोंकाई, अच्छा इनकी जो फाइन ब्रांच का नाम है ब्रोंकियोल, तो ये ईच एंड एवरी एल्वियोली तक ये पहुँच रहे हैं, यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ट्रेकिया ब्रोंकाई में बटा, ब्रोंकाई आगे ब्रोंकियोल में बट गए, और हर ब्रोंकियोल किस में जा रहा है, ये एक मैंने एयर सैक ले लिया, हवा का पाउच, थैलियां, एल्वियोली, ये सारे एयर सैक है, एल्वियोली है, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट हो गए होंगे। अच्छा बच्चों, इन सब को कवर किया हुआ है ये सारे एल्वियोली और ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई, इनको मिलके इन्हीं को बोलते हैं लंग्स, फेफड़े, पल्मोना बोल सकते हो, बायोलॉजी में लंग्स की बजाय पल्मोना, तो ये ब्रोंकियोल फिर एल्वियोली आगे, तो यहाँ पे हमारे अब यहाँ पे ये सारे यहाँ, अब एक नंबर का फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो लंग्स हैं इनकी कवरिंग, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, नोट कर लेना, उसका नाम है प्लूरा, ये मैं बिल्कुल लिख रहा हूं प्लूरा, डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। कल कोई पूछे कि लंग्स की मेम्ब्रेन का नाम क्या है, तो आंसर बनता है प्लूरा, कल कोई पूछे व्हाट इज प्लूरा, तो दीज आर द आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस को आप, प्लूरा की डबल मेम्ब्रेन है, एक चीज याद रखना, और एक चीज याद रखना, ये बाहर वाला ये तो अंदर तो विसरल है, और ये हमारी जो ये बोनी केज है ना, बोनी कैविटी रिब्स, तो इनके साथ अटैच